नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में आज है सेवेंथ ऑफ अप्रैल 2022 स्वागत है आप सबका डेली करंट अफेयर्स में जहां पर मेन सोर्स रहेगा आसाम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर न्यूज़ डेलीज अगेन शुरुआत करने से पहले लेट मी टेल यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहेगा इस पी का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी हुई रहेगी और हाँ भौद्रा एस एकेडमी में इफ़ यू एट ऑल वॉन्ट टू टेक एडमिशन फॉर यूर प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम देन यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट ऑन टू दिस नंबर्स राइट सबसे पहला यहाँ पर दोस्तों न्यूज़ आसाम ट्रिब्यून से ही लिया गया है एक्चुअली देखिए ये ऐसा न्यूज़ है जिसको मैं फिर से डिस्कस नहीं कर सकता इसको ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था आपको पता होना चाहिए दैट आसाम और मेघालय के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट से वो सॉल्व हो गए बट ऐसा नहीं है दैट आसाम का सारा बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो गया अभी भी डिफरेंट अदर राज्यों के साथ भी आसाम का डिस्प्यूट है राइट right? तो उन पर भी बात चल रही है तो इसीलिए ये हम बोल सकते हैं दैट दीज आर द न्यूज़ विच आर इन ट्रांजिशन राइट एंड ऑफकोर्स एज जैसे चीज़ें बढ़ती रहेंगी सो so, कुछ अगर नया ऐसा बताने लायक होगा तब तो हम लोग जरूर बताएंगे बट बत हाँ अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ राइट right? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट दो न्यूज़ था आसाम ट्रिब्यून का आसाम आ, 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 आर्म रेसलर्स आसाम के जो आर्म रेसलर्स हैं वो इंडिया के टीम में चयनित हो गए हैं राइट right? तीन नाम हैं चेतना शर्मा सिद्धार्था मलाकर और त्रिदीप मेधी ठीक है तो इनके बारे में आपको जानना है दैट ये आसाम ये आर्म रेसलर्स है कहाँ से आसाम से एंड दे रिप्रेजेंट इंडिया कहाँ पर इन ट्वेंटी एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियन जो क्या होगा उज्बेकिस्तान में कब अप्रैल 23 से 30 के बीच में राइट सो दे आर फ्रॉम इंडिया एंड वी शुड नो देयर नेम कौन है चेतना शर्मा उसके बाद सिद्धार्थ मलाकर और त्रिदीप मेधी याद रहेगा चलो क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं ना इसीलिए नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों ये द हिंदू से लिया गया है एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से से तो इंपॉर्टेंट होगा ही जी थ्री से भी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली बात की जा रही है यहाँ पे डी नोटिफाइड ट्राइब्स की राइट डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स वैसे तो तीन का है बट मेनली जो आपको देखना है वो डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में देखना है दैट वट आर दीज डी नोटिफाइड ट्राइब्स एक्चुअली क्यों न्यूज में है ये क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जो है ना उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है जो वेरियस प्रोग्राम्स तो चलाए जा रहे हैं इनके इनके उन्नति के लिए दैट इज डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए राइट right? बट जितना पैसा दिया जा रहा है ना जैसे यहाँ पे देखो क्लियरली बोल दिया गया दैट इकोनॉमिक uh, उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए 200 करोड़ का प्रावधान दिया गया था राइट right? बट अभी तक नॉट इवन अ सिंगल रुपी हैज बिन स्पेंड ये क्या हो रहा है सरकार इन लोगों के लिए जब अलॉट कर रही है तो वो चीज स्पेंड क्यों नहीं हो रहा है दैट वॉज द थिंग विच वॉज रेज इन पार्लियामेंट बेसिकली तो एनी वेज इसके इनके बारे में पढ़ लेते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स ये जो है ना देश के सबसे वन ऑफ द मोस्ट वलरेबल और डिप्राइव ट्राइब्स है क्यों ये डिप्राइव ट्राइब्स है पता है क्योंकि इसका जो कनेक्शन uh, है ना वो ब्रिटिश कालों से छुपा हुआ है ब्रिटिशर्स अपने समय ना कुछ कुछ ऐसे ट्राइब्स थे जिनको ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था दैट क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के तहत उनको जन्म से ही क्रिमिनल घोषित कर दिया था मतलब अगर आप उनमें उन, उन ट्राइब्स में अगर आपकी जन्म हो रही है तो आप तभी से क्रिमिनल हो ऐसा घोषित कर दिया था विच इज़ क्या कितना ड्रेकोनियन है लॉ राइट right? सो दीज वर रिपील्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया ऑफ कोर्स भाई जब इंडिया की आज़ादी मिल गई तब तो कोई दुश्मन नहीं है ना अपना अपने लोग अपने हैं ठीक है सो या so, yeah, तब हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट नाइनटीन में इन कम्युनिटीज को जिन्होंने इधर इद, क्रिमिनल घोषित किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस एक्ट के द्वारा राइट right, उसको हम लोगों ने डी नोटिफाई कर दिया राइट दैट इज़ वो लोग पहले तो क्रिमिनल्स थे नाउ दे आर नॉट एनी मोर क्रिमिनल्स अ फ्यू ऑफ दिस कम्युनिटीज वे आर लिस्टेड इन डी नोटिफाइड वे आर ऑल्सो नोमैडिक जी हाँ कुछ कुछ जो डी नोटिफाइड लिस्ट में थे ना वो लोग लो नोमैडिक भी थे नोमैडिक पीपल पता है ना क्या होता है ये वैसे लोग होते हैं जो कि एक रीजन से दूसरे रीजन घूमते रहते हैं कोई अपना इनका अता पता अतापता मतलब प्रॉपर अता पता नहीं होता है राइट ये आज यहाँ है तो कल वहाँ है समझ रहे हो बात हिस्टोरिकली अगर बात करें तो नोमैडिक ट्राइब्स और नोटिफाइड ट्राइब्स जो है दे हैव नेवर गेट एक्सेस टू प्राइवेट लैंड एंड होम ऑनरशिप इन अ लार्जर स्केल हाँ ऐसी बात नहीं आप सोचो ना कोई डी नोटिफाइड ट्राइब्स अगर एक जगह सेटल कर गए तो धीरे धीरे वहां पर वो इंक्लूड हो जाता है बट हाँ मैक्सिमम यही देखा जाता है वाइल मोस्ट ऑफ द डी नोटिफाइड ट्राइब्स आर स्प्रेड अक्रॉस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस कुछ कुछ ऐसे भी डिवर्टिफाइड ट्राइब्स हैं जिनको अभी भी कोई भी स्टेटस के कैटेगराइजेशन में वो लोग नहीं आए ना ही एस ना ही एस ना ही ओ मतलब अभी भी वो लोग बंजारों की तरह ऐसे ही घूम रहे हैं इनफैक्ट इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट साउथ एशिया जो है ना साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सबको याद आता है ठीक है तो ये दुनिया का लार्जेस्ट नोमैटिक ट्राइब पॉपुलेशन जो है वह इस रीजन में ही मिलता है इनफैक्ट In इंडिया में अगर देखोगे कैलकुलेशन अराउंड टेन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना ये डिनोटिफाइड और साथ nomadic tribes ही साथ नोमैडिक ट्राइब्स भी है वाइल नंबर ऑफ डिनोटिफाइड ट्राइब्स इज़ अबाउट वन फिफ्टी मतलब कितने नंबर ऑफ ट्राइब्स है सोचो एक ट्राइब का नाम है ए दूसरा ट्राइब का नाम है बी तीसरा ट्राइब का नाम है सी राइट तो ऐसे कितने सारे ट्राइब्स है ऐसे एक सौ पचास डिनोटिफाइड ट्राइब्स है एंड द पॉपुलेशन ऑफ डिनोटिफाइड ट्राइब्स जो है ना वो अबाउट फिफ्टी फाइव हंड्रेड डिफरेंट कम्युनिटीज़ मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में बेसिकली ये लोग फैले हुए हैं ना तो इसीलिए जस्ट एक डेटा दिया आ गई नहीं ये डेटा बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है रटना ही मत पढ़ना ही मत बिल्कुल कभी नहीं आएगा बट सवाल हमारा का ये जरूर आ सकता है दैट अभी तक सरकार के द्वारा क्या क्या ऐसे एफर्ट ली जा रही है जिससे डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लोग जो है उनको आगे फोरफ्रंट में लाया जा सके तो देखो बैकग्राउंड अगर बात करें तो एक नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स नोमैडिक और सेमिनार नोमैडिक ट्राइब्स दैट इज एन को सेटअप किया गया था सन दो को ठीक है और इसको हेड किया जा रहा था बाइक का किसके द्वारा बालकृष्ण सिद्धराम रेंके जी के द्वारा जिन्होंने एक अपना रिपोर्ट सबमिट किया 2008 में उस कमीशन के रिपोर्ट में यह बोला गया दैट इट इज़ एन आरोनी ये बिल्कुल आरोनी है दैट दिस ट्राइव द अटेंशन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के जो एम्बिट में है सबको ही आए एस सी आए एस टीज आए ओ तो सबको ही तो आए बट इनको क्यों उन्होंने छोड़ दिया दे आर डिप्राइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट जी हाँ इनको अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट जो प्रॉपरली नहीं मिला हुआ है जैसे शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट मिला हुआ है आपको पता है राइट right? तो बट इनको नहीं मिला हुआ है इसलिए दर के कमीशन एस्टिमेटेड दट देर पॉपुलेशन इज अराउंड इतना करोड़ अकॉर्डिंग टू देंसिस ऑफ टू थाउजेंड एंड वन तो ये जस्ट कुछ कुछ इंफॉमेशन थे विच इफ यू एट ऑल वॉन्ट दैन यू कैन गो थ्रू दीज बट नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ uh, में आ जाते हैं एशिया डेवलपमेंट बैंक के रिलेटेड ना एशिया डेवलपमेंट बैंक ने फॉरकास्ट किया है दैट इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो मॉडरेट रहने वाला है 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर में राइट right? नाउ सवाल ये होता है ठीक है एशिया डेवलपमेंट बैंक है क्या भाई देखो ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसको स्टेब्लिश कब किया गया था नाइनटीन हंड्रेड में भी नहीं किया गया था सन दो को भी नहीं किया गया था क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में यही पूछा जाता है पता है ऐसे लोग घुमा के बोल देंगे इट वॉज इस्टेब्लिश इन दर ट्वेंटी फोर्टीन ले भाई है <laughs> ना आज सोचेगा चलो फिर नाइनटीन देखो डिफरेंस देखो ना नाइनटीन बहुत पुराना है भाई है ना सो so, एडीबी बहुत पुराना है या इसमें ना तो वो भी नहीं इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है इनफैक्ट फोर्टी नाइन ऐसे मेंबर्स है ना जो एशिया से है और बाकी पैसिफिक से देखो ये देख हो ग्रीन वाले कलर जितना है इसमें इंडिया भी आ रहा है राइट चाइना सेंट्रल एशियन कंट्री पाकिस्तान अफगानिस्तान उसके बाद यहाँ पे न्यूजीलैंड uh, ये सब सब कोई नॉर्थ कोरिया का छोड़कर ठीक है तो ये सारा बट ध्यान देना रशिया तो आ रहा है नहीं रशिया नहीं है इसमें ठीक है बट साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज भी हैं बहुत और आपका नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज भी हैं ठीक है तो ये जस्ट ध्यान रखना ये नक्शा को आप करने की कोशिश करो ए में कौन कौन से देश है राइट इसका एम क्या है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एशिया पैसिफिक में ग्रोथ ऑफ कोर्स इंश्योर करना एंड एज ऑफ थर्टी फर्स्ट डिसंबर ट्वेंटी नाइनटीन तक अगर देख लोगे ए डी बीज फाइव लार्जेस्ट स्टेक होल्डर्स आर कौन कौन जापान यूनाइटेड स्टेट्स चाइना इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों फिलीपींस में मनी मनीला पता है फिलीपींस की राजधानी तो ये छोटी छोटी फैक्ट्स जो कि आपको याद करना पड़ सकता है नेक्स्ट इज मिशन वत्सालय अच्छा क्यों न्यूज में था क्योंकि मिशन वत्सालय मस्ट ब्रिंग टुगेदर सर्विसेज एंड स्ट्रक्चर्स टू हेल्प चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस मतलब एक आप बोल सकते हैं प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इसको जोड़ सकते हैं ऑफ कोर्स क्योंकि हमें मिशन वत्सालय क्या होता है वही दिमाग में रखना है राइट right? देखो मिशन वत्सालय का अलग नाम भी है दैट इज वत्सालय मातृ अमृत कोष राइट इसको किन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा कॉमन सेंस लगा लो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ही होगा इसका एम क्या है मिशन वत्सालय का ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना जिससे जो बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है ना उनको माँ का दूध जो नहीं मिलता है तो उसके कारण जिससे फ्यूचर में ऐसा ना हो इसीलिए बेस्ट फीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाता है इस मिशन के अंडर एक नेशनल ह्यूमन मिल्क बैंक भी बनाया जाएगा एंड लैक्टेटिंग काउंसिल सेंटर्स स्टेब्लिश की जा रही है दिल्ली में राइट आई मीन की गई है इनफैक्ट इनफैक्ट रिसेंटली अगर देख लीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जो है अपने मेजर स्कीम्स के अंडर इन थ्री तीन अम्ब्रेला स्कीम को लॉन्च किया दैट इज वही, मिशन पोषण टू पॉइंट ओ मिशन वत्साल है जो ये वाला है और मिशन शक्ति मतलब ये तो अम्ब्रेला स्कीम के अंडर है ठीक है बट हाँ आपको देखो मेन जो है ना हमें ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव so, ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखो that इनका में रखो दैट इनका एक्चुअली है क्या नेक्स्ट इज वेटरन बंगाली राइटर्स विंस ओ हेनरी अवार्ड द हिंदू से ये डायरेक्टली लिया गया है राइट ये कौन है बंगाली राइटर है ठीक है प्रिंस परसपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके ए एग्जाम में इनका नाम है अमर मित्र इन्होंने एक स्टोरी लिखा था 1977 जो कि अभी बेसिकली इनको अवार्ड दिया जा रहा है उसके कारण ठीक है इनका स्टोरी का टाइटल क्या है था बंगला में जो लिखा था एक का नाम था गौन बुढ़ो गाँव बुढ़ो ठीक है और इंग्लिश में जो इन्होंने लिखा था उसका नाम था द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर ठीक है सो तो देखो कब इन्होंने लिखा था और कब इनको बेसिकली अवार्ड मिल रहा है इसके लिए राइट नेक्स्ट इज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द हिंदू से न्यूज है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में क्यों क्योंकि दरांग के जो डेप्यूटी कमिश्नर है ना प्रणव कुमार शर्मा ही हैज़ एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द स्लो पेस ऑफ बैडी प्रोक्योर माफ़ करना ये भी जो है ना आसाम ट्रिब्यून से ही है ये मैंने माफ करना ये आसाम ट्रिब्यून है ठीक है वही तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कैसे गलती हो गया एनी शायद एडिट करना भूल गया हाँ कोई बात नहीं तो बेसिकली दरंग के डिप्यूटी कमिश्नर प्रणव कुमार शर्मा ने एक्सप्रेस किया था कंसर्न दैट क्यों क्यों पैडी प्रोक्योरमेंट्स को क्यों इतना स्लोली किया जा रहा है लोकल फार्मर्स के लिए ठीक है सो ऑफकोर्स जी एस थ्री से पी डायरेक्टली मैंशन किया हो गया सिलेबस में आप इसको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं क्वेश्चन देख मतलब क्या, क्या क्या है इसके बारे में वो देख लेते हैं दोस्तों देखो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये क्या है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है पता है किसके अंडर आती है कौन से डिपार्टमेंट कौन से मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो क्या डिपार्टमेंट ऑन फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन uh, जो है उसके अंडर में ये आता है राइट right? ये एक स्टेटरी बॉडी है क्यों क्योंकि 1965 में इसको फूड कार्पोरेशन एक्ट 1964 के अंडर सेटअप किया गया था एंड इट वाज स्टैब्लिश अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ मेजर शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स स्पेशली तब के समय जो है ना वीट की काफ़ी ज्यादा कमी हो गई थी इसीलिए इसको सेटअप किया गया था जिससे प्रॉपरली यू नो वीट को प्रोक्योर करके प्रॉपरली लोगों तक पहुंचाया जा सकता है और इसीलिए नाइनटीन इनको वर्क को और भी आसान करने के लिए नाइनटीन में जो है ना सी एस सी पी दैट इज कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस का गठन किया गया था जिनको काम था रिकमेंड करना रिनुमरेटिव प्राइसेस ये जो एम एस पी देखते हो ना एम एस पी ये कौन रिकमेंड करती है सरकार को यही करती है ना सी एस सी पी दैट इज कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड has राइट इट हैज़ प्राइमरी ड्यूटी टू अंडरटेक परचेज स्टोर मूव ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट सेल फूड मतलब ये फूड कॉरपोरेशन का काम है राइट right? दैट या तो परचेज करना ना ये डायरेक्टली भी परचेज करती है कभी कभी इनडायरेक्टली भी परचेज करती है स्टोर uh, करना मूव करना ट्रांसपोर्ट करना डिस्ट्रीब्यूट करना और सेल करना इन ग्रेन्स को टू द नीडी पीपल ऑर्गेनाइजेशनल अगर सेटअप देख लीजिएगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का क्या होता है देखो कैसा काम करता है फार्मर अपना प्रोडक्ट लाता है ठीक है वो फार्मर अपना प्रोडक्ट एम में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास जाता है डायरेक्टली बेचने ठीक है अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है जो ग्रेन इनसे लिया वो फर्दर स्टेट गवर्नमेंट को पहुंचाता है ठीक है एट द सेंट्रल इश्यू प्राइज ऑफकोर्स उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है वो फिर डिफरेंट स्टेट में जिला होता है ना डिस्ट्रिक्ट्स उन सब जिला में सब गांव पंचायत ग्राम पंचायत में ये पहुंचाती है एट द फेयर प्राइस शॉप क्योंकि सब जगह फेयर प्राइस शॉप्स होता है ना जी है ना जहाँ पे सस्ते दामों में तीन रुपया का चावल दो रुपया का गेहूँ एक रुपया का कोल्ड सीरल्स राइट वो सब मिलता है राइट तो देखो स्टेट गवर्नमेंट का काम है अल्टीमेटली क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाती है ये ध्यान रखना लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन लेकिन बिल्कुल बन सकते हैं इसलिए ये स्ट्रक्चर मैं आपको बतला दे रहा हूँ एक एक करके जिससे आपको पूरा दिमाग में रहे राइट तो स्टेट गवर्नमेंट जब इस फेयर प्राइस तक शॉप शॉप तक पहुँचा रही है इसका मतलब क्या कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के पास जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलॉटमेंट आया है वो अलॉटमेंट अल्टीमेटली लोअर ग्रास रूट लेवल में पहुंचाया जा रहा है राइट और इन फेयर प्राइस शॉप से फर्दर बेनिफिशियरीज तक पहुंचाया जा रहा है समझ लो तो यह चीज है ऑब्जेक्टिव्स अगर देखोगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफ कोर्स यार फार्मर्स को एक तो रिनेटेड प्राइस मिले मतलब इन विद द हेल्प ऑफ एमएसपी ऑफ कोर्स बट साथ ही साथ जो फूड सिक्योरिटी रिलेटेड जो प्रॉपर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो भी एफ के द्वारा ही संभाला जाता है क्योंकि एफ जो है एक स्टेबल सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करती है जिससे वो इंश्योर करती है दैट जो फूड ग्रेन्स हो वो प्रॉपरली अवेलेबल हो एक्सेसिबल हो अफोर्डेबल हो टू ऑल दीपल एट ऑल द टाइम सो दैट कोई भी कहीं पर भी हंगरी ना सोए ठीक है क्योंकि भूखा ये दिस इज़ वेरी बैड ये हम लोगों ने प्रण लिया था यू नो you know, अपने नाइन्टीन में जो एक भूख मरी आई थी उसके बाद उसके बाद ही तो ग्रीन रिवोल्यूशन आया ना और अब देखो कितना हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हो गए products फूड प्रोडक्ट्स है ना कुछ कुछ सेक्टर है जहाँ पर अभी भी हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं जैसे ऑयल ऑयल सेक्टर ले लो पल्स ठीक है तो बट एनी धीरे धीरे वो सब में भी हम लोग ऐसे तो आप आत्मनिर्भर है ही बट स्टिल प्रोडक्शंस बढ़ रही हैं राइट इट विल इंश्योर फूड सिक्योरिटी ऑफ नेशन ऑफ कोर्स वही चीज़ लिखा हुआ है यार सेटिसफाई uh, करेगा बफर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फूड ग्रेन्स जो है थ्रू आउट द कंट्री किया जाता है थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिससे एक प्राइस सपोर्ट और ऑपरेशन कैरी आउट की जाती है टू सेव कार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स तो यही सब है चीज़ें अच्छा सी एस सी पी के बारे में भी थोड़ा हम लोग देख ही लेते हैं दोस्तों देखो ये एक अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का ठीक है अच्छा uh, इसका पहले वैसे नाम अलग था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था बट लेटर इसको मॉडिफाई किया गया था इसका मैंडेट क्या है इसका मैंडेट यही है दैट इनको एमएसपी को जो है रिकमेंड करना है राइट right? साथ ही साथ इंसेंटिवाइज करना है कल्टिवेटर्स को जिससे कल्टिवेटर्स जो है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सके जिससे वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को रेज कर सके और ओवरऑल ओवरऑल ग्रेन की प्रोडक्टिविटीज में और भी ज़्यादा आगे बढ़े एम फॉर मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है इनको फिक्स किया जाता है बाई गवर्नमेंट हर साल एंड आफ्टर टेकिंग टू अकाउंट द रिकमेंड ऑफ ऑफ एज नाउ अभी के लिए देख लीजिएगा सी एस सी पी रिकमेंड करती है एमएसपी कितने क्रॉप कमोडिटीज़ की ट्वेंटी थ्री कॉमोडिटीज जिसमें सेवन सीरियल प्रोडक्ट्स है सेवन ऑयल सीड्स है फाइव पल्स प्रोडक्ट्स है और चार कमर्शियल है इसमें लेकिन हर चीज याद कर लीजिए लेकिन क्योंकि यूपीएससी में ऑलरेडी ऐसा पूछा गया दैट बताओ तीन चार ए आपको ग्राम मुंग उड़द शुगर केन है ना सोरगुम मेज ऐसा दे देगा पांच आपको बताएगा द वन ऑन वन टू थ्री ओनली थ्री फोर फाइव ओनली कौन सा बताओ कौन सा एमएसपी में आता है राइट तो उसका ध्यान रखिए सेवन सीरियल्स में जो है एक तो पैडी आता है एक आता है पैडी मतलब समझ गए ना ये वीट का सॉरी राइस का बात कर रहा हूँ मैं ठीक है पैडी मतलब राइस ये कन्फ्यूजन मत करो ये सब में वीट मतलब गेहूं ठीक है मेज मतलब वही यार भुट्टा खाते हो ना भुट्टा हिंदी में हम लोग भुट्टा बोलते हैं उसको जिसका पॉपकॉर्न बनता है भाई वही चीज़ है ना शोरगुम पर्ल मिलेट बाड़गी रागी बाड़े रागी राइट फाइव पल्सेस में क्या आता है ग्राम तूर मूंग उड़द और लेंटिल ठीक है याद रहेगा सेवन ऑयल सीड्स में आते हैं ग्राउंडनट रेप सीड मस्टर्ड सोयाबीन सीसम, सनफ्लावर और सेफ्लावर और नाइजर सीड भी है निगर सीड नाइजर सीड कुछ भी बोलो फोर कमर्शियल क्रॉप्स में क्या क्या आती है कोपरा शुगर कैन कॉटन रॉजूट ठीक है तो देख रहे हो, कितने सारे सीरल्स हो गए बताओ सेवन सीरल्स कितने सारे ऑयल सीड्स हो गए सेवन ऑयल सीड्स पल्सेस कितने हो गए पाँच और सबसे कम जो है वो कमर्शियल क्रॉप्स है जिसमें कोपरा शुगर कैन कॉटन और रॉजूट है क्लियर है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नीपा वायरस इन्फेक्शन को रिलेटेड न्यूज़ था आप इसको यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जी एस टू हेल्थ से जोड़ सकते हैं रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया था प्रेजेंस ऑफ एक सम सॉर्ट sort ऑफ of, एंटीबॉडीज अगेंस्ट नीपा वायरस इन्फेक्शन इन कुछ बैट्स चमगादड़ों के ऊपर ये एंटीबॉडीज़ उन्हें मिले कहाँ पर कर्नाटक केरल तमिलनाडु और पुडुचेरी के रीजन्स में राइट right, नाउ एंटीबॉडीज होता क्या है जब कोरोना वायरस आया था है ना तो जिनके जिनका कोरोना वायरस होकर वो ठीक हो जा रहे थे ना तो उनके बॉडी में कहा जा रहा था एंटीबॉडीज़ आ गए तो एंटीबॉडीज़ किस चीज़ का यही जो कोरोना वायरस जो फ्यूचर में उनके बॉडी में अगर अटैक कर दे ना तो उनके बॉडी में ऑलरेडी इतना एंटीबॉडीज़ है जिससे क्या इस कोरोना वायरस से वो लड़ ले है ना इस पहले जो बॉडीज में है ना एंटीबॉडीज़ वो बोलेंगे अरे यार पहले से मैं हुई आप क्यों आ रहे हो बाहर से जाओ आपका कोई काम नहीं है ठीक है तो दैट इज़ कॉल्ड एंटीबॉडीज राइट उसी टाइप का एंटीबॉडीज़ जो है वायरस के खिलाफ इन बैट्स में पाया गया है क्लियर है समझ गए तो वही चीज एंटीबॉडीज का डिफिनेशन दिया हुआ है एंटीबॉडीज होता क्या है ये एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो क्या प्रोड्यूस किया जाता है भाई आपका इम्यून सिस्टम राइट नेक्स्ट इज नीपा वायरस नीपा वायरस के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसको आपको जानना ही है ये है क्या ये जूनोटिक वायरस जूनोटिक वायरस होते क्या है ये वैसे वायरसेस होते हैं जो क्या से ह्यूमंस में ट्रांसफर हो सकते हैं जी हाँ ऑर्गेनिज्म विच कॉजिज नीपा वायरस इंसिफैलिटीज इज आर एन ए दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड के द्वारा पहले जो है ये नीपा वायरस पाया गया था मलेशिया और सिंगापुर में नाइनटीन नाइनटी एट नाइन्टीन नाइनटी नाइन में एंड फर्स्ट इट फर्स्ट अपियर्ड इन डोमेस्टिक पिग्स मतलब यहाँ पर जो पाया गया था ना तो वहाँ पर डोमेस्टिक पिग्स में पाया गया था एंड सेवरल स्पीशीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इंक्लूडिंग डॉग्स कैट्स हॉर्सेस uh, शीप्स ये सब में भी पाया गया था ट्रांसमिशन कैसे होता है अभी तक देख लीजिएगा तो फूड बैट से डायरेक्टली ट्रांसमिशन हो जाता है बहुत समय प्रिवेंशन कैसे इसको प्रिवेंशन किया जाए कि इसका क्या इसके रिलेटेड कोई वैक्सीन बना हुआ है नहीं नहीं कोई वैक्सीन नहीं बना हुआ है ऐसे टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है लेकिन ध्यान दीजिएगा ना ही ह्यूमन के लिए ना ही एनिमल्स के लिए कभी इसमें वैक्सीन नहीं बना इंटेंसिव सपोर्ट केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है अगर कोई भी ह्यूमन जो है वो इन्फेक्ट हो गया बाई निपा वायरस अगर उसको प्रॉपर केयर दिया गया प्रॉपर जो

नहीं है दैट कहीं से भी उठा के पूछ लेना ना ना इनका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें पेपर में दिख ही जाता है अगर बाई चांस सोच लो यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो क्या आउट ऑफ द द सिलेबस आउट ऑफ सब कुछ आउट ऑफ द सब कुछ है तो कोई बात नहीं भाई अगर पूछ भी लिया तो ठीक है आपको नहीं आता तो कुछ दुनिया में किसी को भी नहीं आता होगा ना वो आंसर है ना तो वो केस हो जाता है इसीलिए हमें मेक श्योर करना चाहिए दैट सबसे मैं कॉन्फिडेंट रहिए कभी भी क्वेश्चन को देखकर डरिए मत है ना अरे यार ये क्या हो गया ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं पहला दो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया देखिए अरे यार ये तो पता ही नहीं तो आपका पूरा पेपर ही खराब हो जाता है ना ना वैसे डरना बिल्कुल नहीं है बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना ठीक है।, है नहीं आता है कोई बात नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा समझ लो बात ये एटीट्यूड रखना है एनी चलो अभी इतना पढ़ लिया ना अब एम के बारे में आ जाते हैं ना कल हम लोगों ने कुछ कुछ एम डिस्कस किए थे दोस्तों उसके आंसर्स डिस्कस कर ले द फॉलंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटर आई के बारे में स्टेटमेंट पूछा गया था इट वॉज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यू एन ईपी जो कि बिल्कुल सही था मेंबरशिप ऑफ आई पी सी सी इज ओपन टू ऑल द मेबर्स ऑफ डब्लू एम ओ एंड यू एन ईपी विच इज अगेन एब्सोल्यूटली करेक्ट सो सी वॉज द करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच द फॉलोइंग मिनिस्ट्री बताइए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड पावरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्थ फैमिली वेलफेयर या फिर माइनॉरिटी अफेयर्स बताइए कौन सा है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कॉमन सा बात है यार एन सी पी ओ सी आर किसके अंडर आएगा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ना अंडर आएगा जी है ना नेक्स्ट इज डेजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेजी डेजी जो है एक इमर्जिंग वर्ल्ड स्टैंडर्ड है फॉर डिजिटल टॉकिंग बुक्स फॉर पीपल हु आर विजुअली इंपेयर्ड और हैव प्रिंट डिसबिलिटी विच इज एब्सोल्युटली ट्रू नेक्स्ट इज डेजी बुक्स हैव इंबेडेड नेविगेशन दैट इनेबल्स रीडर्स टू इंस्टेंटली जंप टू एनी पार्ट ऑफ द बुक सेम वे एज अ साइटेड पर्सन कैन डू द सेम जी हाँ तो इसका भी सी आंसर दोनों बिल्कुल सही है और वही पूछा करेक्ट आंसर पूछा है। राइट ये कल ही हम लोगों ने किया हुआ था राइट तो मेक श्योर दैट आप सी so, दूसरा का बी तीसरा का सी अगेन दोस्तों इसके अगर सही ऑप्शन आंसर देख लीजिए तो पैटर्न क्या रहेगा अगेन सी बी सी और वही चीज हम लोगों ने आगे में भी देखा तो अगर ऑलमोस्ट देखिएगा ना मैक्सिमम लोगों ने सी बी सी देखो सी बी सी सी बी सी मैक्सिमममम लोगों ने सही आंसर ही दिया यार सभी ने सही आंसर वेरी गुड वेरी गुड वेरी प्राउड ऑफ यू दैट यू गाइज आर इंप्रूविंग डे बाई डे दैट इज़ वेरी गुड एक्चुअली इंप्रूविंग इसलिए क्योंकि पहले तो कुछ कुछ बंदे जो है रॉन्ग नहीं आंसर दे रहे थे सो एनी वेज यू गाइज आर इंप्रूविंग दैट्स अ वेरी गुड ट्रेड एक्चुअली चलो आज के क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डी नोटिफाइड ट्राइब्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए सबसे पहला ऑप्शन है दे आर द कम्युनिटीजर नोटिफाइड एज बिंग बॉन्ड द ब्रिटिश रिजीम अंडर अ सीरीज ऑफ लॉ स्टार्टिंग विद क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ एटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी वन दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंटली ऑल ऑफ देम आर ई डेजिग्नेटेड द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेज तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ए ओनली बी ओनली सीथ दैट इज बोथ वन एंड टू एंड डी नीदर वन नॉट टू ठीक है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगेन नेक्स्ट इज मिशन है बताइए मिशन है जो है इट इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग इनमें से कौन से इसमें रिलेटेड है पहला इज इट इज अ स्कीम फॉर ब्रेस्ट फीडिंग दूसरा स्कीम ऑफ वुमेन एजुकेशन ट्रेन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड स्कीम फॉर स्कॉलरशिप टू गर्ल्स फॉर स्टेम एस टी ई एम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फील्ड ठीक है सो so, आपको बताना है दैट इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो नीचे कमेंट सेक्शन में थर्ड क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नीपा वायरस ये एक जूनोटिक डिजीज है दे आर आर वैक्सीन्स अवेलेबल फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स टू फाइट इट्स इन्फेक्शन सो दो ऑप्शन आपको दिए हुए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू एंड डी दैट इज नीदर वन नॉट टू ठीक है सो यह आ रहा आज के आपको एमसी जो कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है अब आ जाते हैं मेन्स क्वेश्चन मेन्स क्वेश्चन का मैं उतना डिस्कस नहीं करता हूं मैं सिर्फ आपको मेन जो है ना क्वेश्चन को समझा देता हूँ दोस्तों क्योंकि वही है ना प्रोडक्टिविटी आपकी देखनी है मुझे राइट right? दैट आप कमेंट सेक्शन में अगर चाहो ना तो आप इसके भी आंसर्स लिख सकते हो ऑफकोर्स वी विल श्योरली अप्रिशिएट मैं नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल उसको डिस्कस कर लूंगा बिल्कुल आई प्रोमिस यू दैट बट दिखना चाहिए ना यार आपका एफर्ट आप लोग ठीक है एम सी क्यू से सॉल्व कर ले रहे हो बहुत इजी है फटाफट -पट सॉल्व हो जाता है बट इसको भी अगर दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एनी क्वेश्चन में पूछा गया इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्ट्रेंथेड एंटी टेररिज्म लॉ क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट यू ए पी एक्ट नाइनटीन में जो है उसको हम लोगों ने फिर से अमेंड किया है राइट right? तो वही क्वेश्चन क्या पूछ रहा है question, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है मतलब स्टेटमेंट अगर ऐस टाइप का क्वेश्चन दे ना तो आपको इसके प्रोविजन को जानने पड़ेंगे आपको राइट right? दैट क्या एक्चुअली में है क्या ये एक्ट है ना इसका प्रोविजन्स क्या है क्योंकि अगर जब तक आपको प्रोविजन नहीं पता ना आंसर आप प्रॉपरली नहीं लिख पाओगे द एनलाइज द चेंज इन कॉन्टेक्ट ऑफ प्रिवेलिंग सिक्योरिटी इन्हांसमेंट वाई डिस्कसिंग द स्कोप एंड रीजन फॉर अपोजिंग द यू ए पी ए बाई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन देखो आपको बताना है दैट हाँ क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस इससे आ सकते हैं बट साथ ही साथ आपको डिस्कस करना है दैट क्या क्यों अपोज कर रही है ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन राइट तो देखो इसमें भी वैसे ही स्टार्ट किया गया है यू के बारे में रिसेंटली न्यूज बताया गया दैट यूनियन गवर्नमेंट ने अमेंट कौन कौन से एक्ट किए हैं राइट अमेंडमेंट क्या क्या लाए गए हैं किस टाइप के अमेंडमेंट लाए गए हैं वो सारे लिखना पड़ेगा आपको रीजंस बताने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में वही दिया गया था ना दैट क्यों अपोज कर रहे तो वो रीजंस तो बताना पड़ेगा ना आपको राइट right? रीजंस आपने बता दिया नीड टू चेंज क्या क्या जरूरत है चेंज करने का उसके एक्टिविटीज लिखकर और फाइनली आपका एक कंक्लूजन होना चाहिए जिसमें आप बोलोगे दैट ठीक है हमारे प्रिवेलिंग जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट दिख रहा है हमारे देश में पॉलिसी मेकर्स को ऐसे उसको मॉडिफाई करना चाहिए जिससे ह्यूमन राइट अब्यूज भी ना हो क्योंकि देखो एक्चुअली में ये जो लॉन्च किया जा रहा है ना इसमें किसी को भी आप टेररिस्ट घोषित करते हो सकते हो राइट तो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस तो यही ना बोलेंगे यार किसी को भी टेररिस्ट मतलब क्या कल तो आप मेरे को भी टेररिस्ट घोषित कर दोगे मैं तो एक एनजीओ का बंदा हूँ मेरे को अगर टेररिस्ट घोषित कर दिया तो फिर मैं तो आप इस इस कानून का मिस करोगे फिर जो कि विच इज एब्सोल्यूटली अ प्रोवेबिलिटी है ना तो इसीलिए इसको मॉडिफाई किया गया एनी मैं चाहता हूँ दैट यू जस्ट गो थ्रू इट वंस बाई योर सेल्फ एज वेल एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन इज एनी टाइम ओपन फॉर यू वै राइट बिकॉज वी एट बहुत अकेडमी डू केयर फॉर योर यू नो वेल बींग एंड वी विल मेक श्योर दैट यू नो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो राइट right? और अगर आपको प्रॉब्लम ना हो और आप अगर चाहते हैं हमसे डायरेक्टली जुड़ना तो एनी टाइम एनी टाइम आर डोज आर एब्सोल्युटली ओपन फॉर यू कभी भी आप चाहते हैं बोधरास एकेडमी में डायरेक्टली एडमिशन्स ले सकते हैं इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट भी करके इसके बारे में और भी कुछ जानकारी ले सकते हैं एनी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाय टेक केयर